अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक सवाल आया है कि दुरूद शरीफ का दिल में पढ़ना कैसा। देखिए जी, दुरूद शरीफ का दिल में पढ़ना और इसके अलावा बाज़ और हालात में दुरूद शरीफ का ना पढ़ना, तो इस पर बात करते हैं ताकि तफसील से सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाएं। देखें, कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद पाक है कि इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी, कि अल्लाह और उसके मलाइका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। तो अब इसमें, इस आयत में दिए गए हुक्म की वजह से हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज है। अच्छा, फिर जिस मजलिस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आए, इस मजलिस में कम से कम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना लाजिम है। लेकिन जब ये आयत करीमा, क्योंकि ये कुरान की आया है ना, तो नमाज में भी तिलावत होती है कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी, तो अब जब ये नमाज में ये आयत तिलावत होगी या फिर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो उसमें आप इस आयत की तिलावत करें, तो ऐसी सूरत में उस जगह पर दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब ना होगा, क्योंकि नमाज में मुक्तदी का काम किरत को सुनना है और इमाम का काम कुरान को पढ़ना है, और कुरान के अलावा कोई चीज़ उसमें उस वक्त मिलाई नहीं जा सकती, तवक्कुफ भी नहीं हो सकता। इसी तरह जो है तिलावत कुरान में आयत करीमा पढ़ रहे हैं आप, आयत मुबारक पढ़ रहे हैं कुरान करीम की, तो फिर इसमें भी आप तवक्कुफ करके दुरूद नहीं पढ़ेंगे, तो ना सुनने वाला ना पढ़ने वाला, इन पर वाजिब नहीं है। तो जब ये आयत की तिलावत हो और आयत के सुनने की वजह से ये दुरूद शरीफ का पढ़ना वाजिब ना होगा, और जो शख्स खुद तिलावत कर रहा है इस पर भी दुरूद का पढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन अब आप तिलावत से जब फारिग हो जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, दौरान तिलावत तिलावत रोक कर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, वाज़ह रहे एक बात कि जुमे के खुतबे के दौरान जब खतीब इस आयत मुबारक को पढ़ता है या खुतबे के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेता है या कुरान करीम की कोई आयत मुबारक और पढ़ता है जिसमें हुजूर का नाम मुहम्मद या अहमद, जो हुजूर के दो नाम कुरान करीम में आए हैं, ये आ जाते हैं, या कोई और नाम हुजूर के आ जाते हैं कि या अय्युहल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल नाम भी हुजूर का आ गया, तो अब इन तमाम सूरत हाल में जुमे के खुतबे के दौरान जब खतीब आयात ऐसी पढ़े जिसमें हुजूर का नाम मुबारक आए या ऐसा कोई मामला हो, कोई हदीस मुबारक आ जाए, तो उस वक्त सुनने वाले के लिए हुक्म ये है कि वो ये सुनकर जबान से दुरूद न पढ़े, क्योंकि खुतबे के दौरान जो सुन रहा है उसका जबान से कुछ कहना खुतबे के उसूल के आदाब के खिलाफ है। तो ऐसी सूरत में वो दिल ही दिल में दुरूद पढ़ ले। इसी तरह अगर नमाज में आयत तिलावत की गई है तो ना पढ़े, क्योंकि ऐसी सूरत में दुरूद का पढ़ना ना सुनने वाले पर वाजिब है ना पढ़ने वाले पर वाजिब है। बड़ी तफसील के साथ इसको मुहद्दिसीन किराम ने जो है फतावा में रिवायत किया है, अपने बहरहाल रद्दुल मुख्तार में भी आता है, इसी तरह जो है आपका अल्लाह भला करे अल फतावा हिंदिया में भी आता है, कई कुतुब में आपको इसके हवाला जात मिल जाएंगे जो उलमाए कराम ने इस मसले में इन तमाम अकवाल को बयान किया है। तो मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें जमा कर दी हैं, हालांकि सवाल सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ने का था ताकि हर जाविये से या मुख्तलिफ जाविये से ये बात आ जाए कवर। तो आम सूरत हाल में अच्छा जोर से बावाज़ बुलंद पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, यानी आम सूरत हाल होना, ये तो ख़ास सूरत हाल मैंने डिस्कस कर ली। आम सूरत हाल में कि अपनी होठों को इतनी जुम्बिश देना कि हल्की सी जो आवाज़ निकलती है जिसको सिर्फ आप ही सुन सकते हैं और किसी तक नहीं पहुँचती, और दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना ज़रूरी नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बहुत सारे दुरूद मुबारक हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुख्तसर दुरूद मुबारक है।
तो इस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं आम हालात में भी, कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, 2-3 सेकंड लगेंगे आपके, आपने हल्की सी अपनी ज़बान को जुम्बिश दी और ख़त्म हो गई। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि इससे बात क्लियर भी हो गई होगी और इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।